स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। टूडे वी विल डिस्कस ऑन इंसेक्ट एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल इंसेक्ट्स इज एग। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स आर ओवीपेरस। एग स्टेज इज इनकॉन्सिपिक्यूस, inexpensive and inactive. Yolk contained in the egg supports the embryonic development. Eggs are laid under conditions where the food is available for feeding of the future young ones. Eggs of insects are centrolecithal and megalecithal. Insects ke egg centrolecithal hote hain, यानी इनमें योक एग के मध्य भाग में उपस्थित होता है, तथा ये मेगालेसिथल होते हैं, अर्थात इनमें योक काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एग। मैच्योर इंसेक्ट एग्स आर ओवल, इलोंगेट, मे बी स्फेरिकल, डिस्क और बैरल लाइक। The eggs are covered by two shells, a tough outer shell called the chorion and a thinner inner shell called the vitelline membrane. There is an opening called micropyle at the chorion for the entrance of sperm. The two membranes surround a large nucleus and a mass of cytoplasm. The cytoplasm consists of a large central area of yolk and a peripheral bounding layer, the periplasm, beneath the vitelline membrane. The egg nucleus lies in a central position and embedded in cytoplasm. Insect egg ki saranchana se hame pata chalta hai कि इंसेक्ट एग्स ओवल, इलोंगेट या स्फेरिकल, डिस्क और बैरल लाइक ढोल की तरह से ढोल की आकृति के हो सकते हैं। ये एग्स दो शेल्स द्वारा ढके रहते हैं। बाहरी टफ या कड़ा शेल कोरियन कहलाता है, तथा अंदर का थिनर या पतला शेल विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। कोरियन के एक सिरे पर एक छिद्र उपस्थित होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ से स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करता है। दोनों मेम्ब्रेन्स एक बड़े न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म को घेरे रखती हैं। साइटोप्लाज्म एक बड़े एरिया को सेंटर में घेरे रखता है। इसमें योक उपस्थित होता है, तथा इसकी पेरिफेरल पर एक लेयर उपस्थित होती है, जिसे पेरिप्लाज्म कहते हैं, जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होती है। तो एग का बड़ा सेंट्रल मास योक का बना होता है। एग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि एकदम सेंटर में उपस्थित है और साइटोप्लाज्म में धंसा रहता है। तो इस डायग्राम में हम इंसेक्ट एग की संरचना देख रहे हैं। बाहर की तरफ शेल या बाहर की कवरिंग कोरियन, उसके अंदर नीचे दूसरी लेयर विटेलाइन मेम्ब्रेन, एक सिरे पर माइक्रोपाइल छेद, जिसकी सहायता से या जिससे होकर अंदर स्पर्म प्रवेश करता है। एग का अंदर का पूरा सेंट्रल पार्ट, जो कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में
मुख्य भाग योक होता है और बाउंड्री या एक पेरिफ्री बनती है साइटोप्लाज्म की, जिसे पेरिप्लाज्म कहते हैं। ये पेरिप्लाज्म विटिलाइन मेम्ब्रेन के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स को हम मुख्यतः दो प्रकारों में पढ़ सकते हैं, सिंगली लेड एग्स एंड एग्स लेड इन ग्रुप्स। यानी कि एकल जब एग्स हों, अंडे हों, एक एक ही दिए जाएं, उन अंडों में उनकी क्या शेप हो सकती है, क्या आकृति हो सकती है। इसके अलावा जब एग्स ग्रुप में या समूह में दिए जाएं, तब ये एग्स किस प्रकार के होते हैं, उनको हम देखेंगे। सिंगली लेड एग्स में डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट स्कल्प्टर्ड एग्स, इलोंगेटेड एग्स, राउंडेड एग, निट एंड एग विद फ्लोट। और ग्रुप्स में जब अंडे दिए जाते हैं तो इनके टाइप्स हैं पेडिसिलेट एग्स, बैरल शेप्ड एग्स, ऊथीका, एग पॉड, एग केस, एग मास एंड एग राफ्ट। सिंगली लेड एग्स में सबसे पहले स्कल्पर्ड एग, यानी कि ऐसे एग जिनमें जो कि नक्काशी वाले हों, जिस तरह से नक्काशी की जाती है उस तरह, अगर अंडे में उस तरह की नक्काशी या उस तरह की संरचना उपस्थित हो तो उन एग्स को स्कल्प्टर्ड एग कहते हैं। कोरियोन विद रेटिकुलेट मार्किंग्स एंड रिजेस। इन एग्स में कोरियोन में जालीदार संरचनाएं उपस्थित होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, निशान होते हैं और रिजिज या उभार होते हैं। एग्जाम्पल कैस्टर बटरफ्लाई। सेकेंड टाइप इलोंगेट एग। एग्स आर सिगार शेप्ड। एग्जाम्पल सॉर्गम शूट फ्लाई। थर्ड टाइप राउंडेड एग। एग्स आर एदर स्फेरिकल और ग्लोबुलर। एग्जाम्पल सिट्रस बटरफ्लाई। तो यहाँ पर हम देखिए स्कल्पटर्ड एग देख रहे हैं, नक्काशी युक्त अंडे जिनमें कोरियन में इस तरह की जालीदार नक्काशी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इलोंगेटेड एग या सिगार शेप्ड एग, और फिर नीचे तीसरा डायग्राम है राउंडेड एग्स का। नेक्स्ट टाइप है निट। एग्स ऑफ हेड लाउस इज कॉल्ड निट। इट इज सीमेंटेड टू द बेस ऑफ द हेयर। देयर इज एन एग स्टिग्मा एट द पोस्टीरियर एंड विच असिस्ट्स इन अटैचमेंट। एट द एंटीरियर एंड देयर इज एन ओवल लिड विच इज लिफ्टेड एट टाइम ऑफ हैचिंग। हेड लाउस के जो एग हैं उनको निट कहते हैं। ये हेयर के बेस से चिपका रहता है। इसके पोस्टीरियर एंड पर एग स्टिग्मा प्रेजेंट होता है जो कि इसको चिपकने में मदद देता है, और अग्र सिरे पर एक ओवल लिड या ढक्कन जैसी संरचना होती है जो कि हैचिंग के समय ऊपर की तरफ उठती है। एग विद फ्लोट। एग इज बोट शेप्ड विद ए कॉन्स्पिक्यूअस फ्लोट ऑन
either side. The lateral sides are expanded. The extensions serve as floors. Example, Anopheles mosquito. इस तरह के एग्स बोट शेप होते हैं. इनमें दोनों तरफ स्पष्ट फ्लोट उपस्थित होते हैं. इनकी लेटरल साइड्स फैली हुई होती हैं. इस तरह से इनके जो फैली हुई साइड्स हैं वो फ्लोट्स का काम करती हैं. एग्जांपल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो अभी हमने जो एग के टाइप्स देखे वो सिंगल अगर अंडे दिए जाएं तो उनके टाइप्स थे. अब अगर अंडे ग्रुप्स में दिए जाएं तो क्या टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. एग्स लेड इन ग्रुप्स. फर्स्ट, पेडिसिलेट एग्स. एग्स आर लेड इन सिल्कन स्टॉक ऑफ अबाउट 1.25 मिलीमीटर इन लेंथ इन वन ग्रुप्स ऑन प्लांट. एग्जाम्पल ग्रीन लेस विंग. पेडिसिलेट. पेडिसिल का मतलब क्या होता है? स्टॉक या व्रंथ. तो जब अंडों में कई व्रंथ या सिल्कन थ्रेड जैसी संरचनाएं होती हैं और ये एक ग्रुप में प्लांट के ऊपर दिए जाते हैं तो ऐसे एग्स पेडिसिलेट एग्स कहलाते हैं. इनका एग्जांपल है ग्रीन लेस विंग. यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कई सारे अंडे एक समूह में हैं और इन अंडों से सिल्कन थ्रेड जैसी संरचनाएं निकल रही हैं. सिल्कन स्टॉक्स हैं, ये व्रंथ हैं जिनकी सहायता से ये पेड़ से चिपके रहते हैं. नेक्स्ट टाइप है बैरल शेप्ड एग. दे लुक लाइक मिनिएचर बैटरीज. दे आर डिपॉजिट इन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मास. बैरल शेप्ड एग्स होते हैं, ये मिनिएचर या छोटे बैटरीज के तरह दिखाई देते हैं. ये पास पास व्यवस्थित मास के रूप में डिपॉजिट किए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप है ऊथिका. एग्स आर डिपॉजिटेड बाय कॉकरोच इन ए ब्राउन बीन लाइक काइटिनस कैप्सूल. ईच ऊथिका कंसिस्ट ऑफ ए डबल लेयर्ड रैपर प्रोटेक्टिंग टू पैरेलल रोज ऑफ एग्स. ईच ऊथिका हैज 16 एग्स अरेंज्ड इन टू रोज. कॉकरोच में एग्स ब्राउन कलर की बीन लाइक काइटिनस कैप्सूल में के रूप में डिपॉजिट किए जाते हैं. इन्हें ऊथिका कहते हैं. प्रत्येक ऊथिका में दो पैरेलल रोज होती है अंडों की और इनमें बाहर एक डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग या रैपर प्रेजेंट होती है. प्रत्येक ऊथिका में 16 अंडे उपस्थित होते हैं जो कि दो रोज में व्यवस्थित होते हैं. नेक्स्ट टाइप है एग पोड. ग्रास होपर्स सीक्रेट ए फ्रॉदी मटेरियल दैट इन केस एन एग मास विच इज डिपॉजिटेड इन द ग्राउंड. ग्रास होपर्स एक झागदार मटेरियल झागदार पदार्थ सीक्रेट करता है जो कि एग मास को ढक लेता है. ये एग मास या अंडों का जो समूह है वो ग्राउंड में डिपॉजिट किया जाता है. एग मास में कोई डेफिनेट कवरिंग नहीं होती. एग के टॉप पर या शीर्ष पर फ्रॉदी सब्सटेंस या झागदार जो पदार्थ है वो हार्ड होकर एक प्लग बनाता है
यह प्लग एग्स को सूखने से बचाता है। नेक्स्ट टाइप है एग केस। मेंटिड्स डिपॉजिट देयर एग्स ऑन ट्विग्स इन ए फोमी सिक्रेशन कॉल्ड स्पर्मेलाइन विच इवेंचुअली हार्डन्स टू प्रोड्यूस एन एग केस और ऊथिका। इनसाइड द एग केस एग्स आर अलाइंड इन रोज इनसाइड द एग चैम्बर्स। मेंटिड्स अपने अंडों को पेड़ों की शाखाओं पर एक झागदार स्रवण के अंदर देते हैं। इन्हें स्पर्मेलाइन कहते हैं। ये कठोर होकर एग केस या ओथिका बनाता है। तो जो ये फोमी सब सिक्रेशन या कोई झागदार जो सिक्रेशन होता है इसे स्पर्मेलाइन बोलते हैं। ये स्पर्मेलाइन हार्डन होकर एग केस या ओथिका बनाता है और इसके अंदर एग केस के अंदर अंडे उपस्थित होते हैं। इनसाइड द एग केस एग्स आर अलाइंड इन रोज इनसाइड द एग चैम्बर्स। नेक्स्ट टाइप है एग मास। मोथ्स ले एग्स इन ग्रुप्स इन ए मास ऑफ इट्स बॉडी हेयर्स। एनल टफ्ट ऑफ हेयर्स फाउंड एट द एंड ऑफ द एब्डोमेन इज मेनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एग्जाम्पल राइस स्टेम बोरर। एग मास मॉथ्स अंडों को ग्रुप में डिपॉजिट करती है या एक एग मास के रूप में डिपॉजिट करती है और ये एग मास इनके बॉडी हेयर्स में होते हैं। इन मॉथ्स के एब्डोमेन के सिरे पर एनल टफ्ट हेयर्स का एनल टफ्ट पाया जाता है जो कि इस पर्पस में काम आता है। फीमेल सिल्क वर्म मॉथ अंडर कैप्टिविटी लेज एग्स ऑन एग कार्ड। ईच एग मास इज कॉल्ड ए डी एफ एल और डिजीज फ्री लिंग। फीमेल सिल्क वर्म मॉथ अंडों को एग कार्ड के ऊपर डिपॉजिट करती है। प्रत्येक एग मास डी एफ एल कहलाता है यानी डिजीज फ्री लिंग। देखिए यहाँ पर ये कार्ड है। एक कार्ड के ऊपर मौत दिखाई दे रही है। सिल्क वर्म की है ये और ये अंडों को इस तरह से कार्ड के ऊपर ले करती है। ये अंडे डिजीज फ्री के होते हैं क्योंकि इनके इनमें किसी तरह के डिजीज नहीं लगती। यहाँ पर डिजीज फ्री लेइंग है ये इसलिए इनको डी एफ एल कहते हैं। नेक्स्ट एग राफ्ट। इन क्यूलेक्स मॉस्किटोज दी एग्स आर लेड इन ए कॉम्पैक्ट मास कंसिस्टिंग ऑफ 200 to 300 एग्स कॉल्ड एग राफ्ट इन वाटर। इस डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप्स के एग्स देख रहे हैं। उनकी डिफरेंट शेप्स हैं।
अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के एग्स होते हैं। तो आज हमने इंसेक्ट के एग के बारे में पढ़ा, उसकी संरचना क्या होती है और उनमें क्या प्रकार होते हैं। थैंक यू।